सब्सक्राइब कीजिए जलील सपोर्ट्स यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल के बटन को लाटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अफसोसनाक खबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स नीचे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि मैं अब ODI और T20 मैचेस खेलूंगा, मैं अब टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल और आखिरी टेस्ट मैच UAE में जारी है। मोहम्मद हफीज़ ने पहली इनिंग्स में 0 पर आउट होने के बावजूद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। फ्रेंड्स ये है ताज़ा तरीन न्यूज़ मैंने जो आप तक पहुंचाई है। मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अगर हम मोहम्मद हफीज़ के मैचों की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ ने 55 टेस्ट मैच खेले हैं और 3,644 रन बनाए, जिसमें 10 सेंचुरियाँ हैं और मोहम्मद हफीज़ ने 53 विकेट्स भी हासिल की हैं। मोहम्मद हफीज़ ने अपने अभी इंटरव्यू में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं अब टेस्ट मैच नहीं खेलूँगा, ODI और T20 मैचेस खेलूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें। यार चैनल सब्सक्राइब करने में वैसे कोई पैसे नहीं लगते, इसके ज़रिए आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। शुक्रिया।